हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सबूर हसन और आज की इस वीडियो में, जबकि मैं नॉर्मल कबूतरों को दाना डालता हूँ तो मैंने डाला ही हुआ है और ये पानी भी रख दिया, तो मैंने देखा अभी क्या हुआ कि सभी कबूतर दाना खा रहे हैं पर एक कबूतरी नाटक कर रही है। ये देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कबूतर का जोड़ा कैसे लगाएं, जोड़ा भी लगा, अंडा भी दिया। उसके बाद ये सेंटीनेट जो नया लाया था उनने भी अंडा दे दिया और ये बच्चे भी बड़े हो गए शिराजी के, वो जो मैंने ब्लॉग डाला था ना, और ये भी घोंसला बना हुआ है, ये भी अंडे दे देंगे। लेकिन दोस्तों मसला ये है, ये शिराजी कबूतरी पता नहीं क्यों इतना नाटक कर रही है, ये बाहर भी नहीं आ रही। ये देखिए, पता नहीं इसको क्या हुआ अचानक, ये देखिए ये अचानक अंदर जा रही है। मतलब सुबह से इसने खाना भी नहीं खाया, फिर खाना खाते फिर अजाती तो मान भी लेते, लेकिन इसके समझ में नहीं आ रहा, ये अजीब से चिपक के बैठी हुई है। ये देखिए दोस्तों, मेरे समझ में नहीं आ रहा इसको हुआ क्या है। चलिए इसको बाहर भी रख के देख लेते हैं कि इतने नाटक क्यों कर रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तो ये भी बिल्कुल सीधी खड़ी है, लेकिन ये देखिए दोस्त, पता नहीं ये फिर अंदर क्यों आई, इसने तो अभी खाना भी नहीं खाया और ये फिर से अंदर चली गई। अब समझ में नहीं आ रहा ये कहीं अंडे तो नहीं देने वाली, अंडे देने वाली होगी तो पता चल ही जाएगा। रूशन देखना, अंडे तो नहीं देने वाली, और ये चोंचे भी मार रही है, देखना चेक करो जरा। अंडे पे हो सकता है अंडा दे दे। ये देखिए दोस्तों, इसको फिर से छोड़ दिया है दाना खाने के लिए, और इसका जो ये नर है इससे तो एक भी बार क्रॉस नहीं हुई मेरे सामने। जोड़ा लग गया, दाना भी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन मेटिंग नहीं हो पा रही इस कबूतरी के साथ। कम से कम 4-5 नरों ने मेटिंग कर ली। ये देखिए फिर से अंदर चली गई, पता नहीं इसको क्या हो रहा है, मुझे तो लग रहा है अंडा दे देगी। और ये अगर अंडा दे देगी तो मैं इसके पास इसकी वीडियो भी डालूंगा जरूर कि इसने अंडा दे दिया, क्यों दे दिया, नहीं दिया तो ये वीडियो में ही खत्म कर दूंगा और अपलोड भी नहीं करूंगा। देखिए दोस्तों, जैसे ये नर पानी पी रहा है इससे क्रॉस हो गई, ये हरा कबूतर है जो मेरा इससे क्रॉस हो गई, दो बार जो गुटक रहा है उससे भी क्रॉस हो गई, पता नहीं किस किस से क्रॉस हो गई और जिससे क्रॉस करवाना थी उससे हुई नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये नर बिना वजह मार रहा है इसको, भाई मत मार, तू अपने दड़बे में आना। ये देखिए दोस्तों, इसका दड़बा ये है लेकिन उसके दड़बे में घुस रहा है, वो क्रॉस कर ली, और ये भी पता नहीं हर किसी से क्रॉस नहीं है, तो अब इनका भी काफी मसला हो गया। अभी तो मैं डर गया था सुन बैठा देख के, और इनने भी क्रॉस किया, ये जो अभी नर उड़ के गया है मुट्टो जिसको बोलता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। बस यही बताना था आप लोगों को, मुझे तो कोई बड़ी लग रहा था कि कुछ बड़ा मसला हो गया, लेकिन चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंडे ही देगी कोई दिक्कत नहीं, अंडे हटा देंगे। बस यही कुछ बताना था आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। और अगर अंडा दे देगी तो मैं थोड़ा सी क्लिप भी दिखाऊंगा कि भाई इसने अंडा भी दे दिया। सकते हैं अभी मुझे काम से आना था तो मैंने दाना अंदर ही कर दिया। नाइल ऑफ्ट का मतलब यही है कि जब भी चाहो दाना अंदर रख दो, और मैंने आपको बोला था कि वीडियो में बता दूंगा, और देखो अभी 5 मिनट भी नहीं हुए मैंने वीडियो पोस्ट करके सामान बदला, वो अंडे में वो देखो आप, ये नहीं फूटेगा यार, इतनी जल्दी नहीं फूटेगा दोस्तों। ये देखो इसने अंडा दे दिया, बिल्कुल ताज़ा अंडा है, अभी हल दिया है ये। अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि लखा जो भी जिसको मैं बोलता हूँ इसके नीचे रख दिया जाए। ये देखिए दोस्तों, इसके नीचे एक अंडा है तो इसके नीचे अपन एक और अंडा रख देते हैं। बस बैठ जाना यार प्लीज, अपन के शिराजी का अंडे हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके नीचे रख दिया मैंने इसका अंडा, और अब इसकी दिक्कत हो गई थोड़ी दूर, बेचारी बहुत परेशान थी, पता नहीं इसको क्या हो रहा था, लेकिन अब अपना मसला हल हो चुका है। इसको अंडा ही देना था, मुझे लगा हल्का हल्का कि अंडा देने वाली है, भाई ने भी चेक करा था और बात सही निकली, अंडा ही देने वाली थी, बस यही बताना था आपको। चलो इसको अब छोड़ देते हैं, अब तो खाना खा लेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।